अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑटो सॉल्यूशंस पे मैं हूं नबील अशरफ। आज मैं इस गाड़ी के रेडिएटर को फ्लश करने जा रहा हूं। ये मेरी अपनी गाड़ी है, इसके रेडिएटर को फ्लश करेंगे और इसका पूरा तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। आप भी अपनी गाड़ी के रेडिएटर को और कूलिंग सिस्टम को बड़े आसानी से, बड़े आराम से, सिंपल तरीके से फ्लश कर सकते हैं। ये फ्लशर है, रेडिएटर फ्लशर है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है फ्लेमिंगो कंपनी का, और ये भी सेम उसी का एक कूलेंट है और ये इसका फ्लशर है। स्पेशली जो पुराने इंजन होते हैं, पुराने मॉडल की गाड़ियां होती हैं, उनके कूलिंग सिस्टम को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसा कि हो सकता है कि किसी सर्टेन अमाउंट की स्पीड पर आपकी गाड़ी ओवरहीट होना शुरू हो जाए, मतलब 100 से ऊपर या 80 से ऊपर, या हो सकता है जब आप गाड़ी का एसी ऑन करते हो तब गाड़ी जो है वो गर्म होना शुरू हो जाए, या ऐसा भी बात बात होता है कि खड़ी गाड़ी में जब आपने एसी ऑन किया होता है तो उससे क्या होता है कि गाड़ी का कंप्रेसर जो है वो बार बार ट्रिप करता है, मतलब कंटिन्यूसली नहीं चलता, कूलिंग नहीं करता, बार बार जो है कंप्रेसर वो ट्रिप करता है। उसकी ये भी वजह हो सकती है कि अगर आपकी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम या रेडिएटर फ्लश होने वाला है, उसमें कचरा है, पानी अच्छी तरह ठंडा नहीं हो रहा, गाड़ी का टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा, तो ये होगा। ये आप खुद भी कर सकते हैं या आप किसी ऑयल चेंजर से या जो टेक्नीशियन होते हैं उनको भी आप दोनों प्रोडक्ट्स दे के, और जो मैं तरीकाकार आपको बताऊंगा उसके ज़रिए आप अपनी गाड़ी के कूलिंग सिस्टम को फ्लश करवा सकते हैं। गाड़ी के रेडिएटर का कैप खोलने के बाद अभी इसमें जो कूलेंट है, इसकी हमें थोड़ी सी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है वो तकरीबन ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसकी क्वांटिटी 350 ml है, तो उसी हिसाब से हमें थोड़ी सी इसमें पहले स्पेस बनानी पड़ेगी, रेडिएटर में कूलेंट को थोड़ा निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद तकरीबन 350 ml कूलेंट निकाल के तो फिर हम इस फ्लश को इस रेडिएटर में जो है वो डाल देंगे। कूलेंट की मकदार को कम करने के लिए मैं एक सिरिंज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये इनफ़ है मेरे ख्याल से, जितना मैंने कूलेंट इसमें से निकाल लिया है ये इनफ़ है। कूलर निकालने के बाद अभी अगर आप चाहें तो इस एक फ्लशर के दो राउंड भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको एक राउंड में भी क्लीन कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से वो टाइम चला गया है कि जब आप किसी रेडिएटर वाले के पास जाते थे और जाके आते थे इस गाड़ी का रेडिएटर साफ़ कर दें, वो रेडिएटर बाहर निकालता था, सारा सारा दिन लगाता था गाड़ी के रेडिएटर को साफ़ करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे चली गई है, तो आप जो है वो इसको अपनी गाड़ी के रेडिएटर को खुद भी फ्लश कर सकते हैं और बाहर से भी करवा सकते हैं इस तरीके के ज़रिए। सो मैं एक ही राउंड में इसके रेडिएटर को फ्लश करूंगा, मैं दो राउंड नहीं करूंगा। इसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हमें 15 से 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो इंतज़ार क्यों करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट होने के बाद हमने इंतज़ार करना है इनके फ़ैन के चलने का। जब तक फ़ैन ऑन नहीं होंगे तब तक पूरा कूलेंट जो है वो गाड़ी के इंजन में सर्कुलेट नहीं होगा। अब मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये एक थर्मोस्टेट वॉल है। थर्मोस्टेट वॉल क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये ज़रूरी क्यों है, इसकी एक कम्प्लीट वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। आप चाहें तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। थर्मोस्टेट वॉल खुलेगा तभी जाके पूरा कूलेंट जो है वो गाड़ी के इंजन और रेडिएटर में सर्कुलेट करेगा। अगर हम इसको थर्मोस्टेट वॉल को ओपन होने का इंतज़ार नहीं करेंगे तो पानी जो है कूलेंट जो है वो सिर्फ इंजन में ही सर्कुलेट करेगा, हमारे रेडिएटर में नहीं आएगा। इसको स्टार्ट होने के बाद तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा ताकि ये जो फ्लशर है रेडिएटर में कूलेंट में मिक्स होकर अच्छी तरह जो है वो इसको फ्लश कर दे। गाड़ी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई है और इसके फ़ैन भी चल गए हैं और थर्मोस्टेट वॉल भी ओपन हो गया है। अब जो है वो कूलेंट और फ्लशर जो है वो सारे इंजन और रेडिएटर में फ्लश करेगा, सर्कुलेट करेगा और इसके जो हमारा कूलिंग सिस्टम है इसको क्लीन करेगा। हमें इसके लिए अब मज़ीद तकरीबन 10 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा। 10 मिनट वेट के बाद हम दोबारा वापस आएंगे। 10 से 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, अब हम गाड़ी को ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। इंजन को बंद करने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा प्रेशर होगा, हम इमीडिएटली जो है वो रेडिएटर के कैप को ओपन नहीं कर सकते। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये इसका ड्रेन का होज़ है, ये ड्रेन वाले पाइप को हम ओपन करेंगे और सारा जो कूलेंट जो अभी इसमें फ्लश हुआ है फ्लशर के साथ, सारा कूलेंट जो है वो कूलिंग सिस्टम से सारा बाहर निकल जाएगा। ड्रेन पाइप उतारते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि कूलेंट जो है वो काफ़ी गर्म होगा, और क्योंकि इसमें प्रेशर था, इंजन स्टार्ट था 10-15 मिनट तक, तो ये आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। इस पाइप को हम उतार के नीचे रखेंगे तो सारा कूलेंट नीचे निकल आएगा। इनका होज खोलते वक्त आपने रेडिएटर का कैप भी उठा लेना है ताकि इसमें हवा क्रॉस होगी तो कूलेंट जो है वो अच्छी तरह से बाहर आ जाएगा।
एक्चुअली हम कूलर को सेव नहीं कर सके, हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं था जो हम इसको सेव कर सकते। कुछ कूलर ज़ाया हो गया और कुछ जो है वो हमें मिल गया। इस कूलर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ डस्टी पार्टिकल्स आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे, ये डस्टी और रस्टी पार्टिकल्स जो है कूलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रेडिएटर में क्लीनिंग के बाद फ्लश होने के बाद ही निकले हैं। कूलर को ड्रेन करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको जो है वो वॉश कर लेना है, नीचे से ड्रेन ओपन रहने देनी है और पानी को जो है वो खोल देना है। ड्रेन ओपन करने के बाद पानी को खोलेंगे तो आपकी जो है वो ये जो पूरा कूलिंग सप्लाई है, कूलिंग सिस्टम की जो सप्लाई है, वाटर लाइन है, वो साफ हो जाएगी। जब भी आप देखेंगे साफ़ पानी आना शुरू हो गया है तो फिर आप इसको पाइप को हटा सकते हैं। अगर हो सके तो कोशिश आप ये करें कि इसका जो रिज़र्व का कैन है वो भी आप उतार लें, इसको भी साफ़ कर लें। लेकिन ये इसका कैन थोड़ा सा टफ है, इसको मैं नहीं उतार सकता, रिमूव नहीं कर सका, सो इसमें जो कूलेंट है वो इसमें ही रहेगा। लेकिन अगर हो सके तो आप इस कैन को भी निकाल दें, उतार दें। ड्रेन का पाइप वापस लगाने के बाद आप बारी है इसमें कूलेंट डालने की। कूलेंट डालने के लिए मैंने मेरी दो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने बताया हुआ कि कितना कूलेंट चाहिए और कितना पानी चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कूलेंट डालने के लिए जो तरीकाकार है कि आप जो है वो मिनरल वाटर इस्तेमाल करें। मिनरल वाटर आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का कोई भी मिनरल वाटर ले सकते हैं। कुछ पहले आप पहले ऐसे 2 लीटर पानी डालें, आधा पानी डालने के बाद आप गाड़ी को स्टार्ट करें। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तभी जाके पूरा पानी सर्कुलेट होगा और पानी पूरा होगा। अगर आप ऐसे गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे, पानी डालेंगे, तो पानी पूरा नहीं होगा। तकरीबन 500 ml की एक बोतल थी पूरी जो मैंने इसमें डाल दी है। इसके बाद आप जितना भी ज़रूरत पड़ेगा कूलेंट का उसमें मैं पानी मिक्स करूँगा। जब तक पानी जो है वो नीचे जाता रहे, सर्कुलेट होता रहे, कम होता रहे, तब तक आपने इसकी फिलिंग करते रहना है। अगर आप ये समझे कि पानी टॉप लेवल पे आ गया और मैं इसको छोड़ दूँ तो ऐसा नहीं होगा। उस सूरत में यह है कि आप पानी कम भी हो सकता है, पानी कम रहेगा तो गाड़ी फिर ओवरहीट होने के चांसेस होते हैं। आप गाड़ी के रेडिएटर को फ्लश करवाएं या ना करवाएं, दोनों ड्राइविंग एक बार जहन में रखें। ड्राइव सेफ, राइड सेफ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।